नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तो फ्रेंड जैसा कि आज आप लोगों को पता होगा आई का एग्जाम कंडक्ट हुआ है यानी 18 फरवरी को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तो इसमें हम लोग पेपर का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए थे किस प्रकार का पेपर आया था लेवल कैसा था ओके फ्रेंड कितने गुड अटेम्प्ट और कट ऑफ कितनी जा सकती है पूरा इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं तो गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके फ्रेंड मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपने अगर अटैम्प्ट किया है तो गुड अटैम्प्ट हो सकता है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लेट्स चेक इट अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल इंस्टा और साथ में ट्विटर का भी लिंक मिलेगा जिसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ लेटेस्ट अपडेट लगातार दी जाती है तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट लेट्स चेक इट तो गाइज हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एम इज कंडक्टिंग आई 2021, यानी इस बार को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एग्जाम अक्रॉस वेरियस सिटीज स्प्रेड थ्रू द कंट्री द एग्ज़ाम इज बिंग कंडक्ट इन थ्री शिफ्ट आप लोगों का एग्ज़ाम ये तीन शिफ्ट में हुआ है नाइन ए एम टू टेन ए एम ट्वेल्व पी एम टू वन पी एम एंड थ्री पी एम टू फोर पी एम नौ से दस बारह से एक और तीन से चार पी एम आई बी ए सी आई ओ ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जाम एनालिसिस फॉर फर्स्ट इज प्रोवाइडेड ऑन दिस पेज अकॉर्डिंग टू द फीडबैक सेट बाई द कैंडिडेट द ओवरऑल पेपर ऑफ़ आई बी ए सी आई ओ एग्जाम वॉज ईजी टू मॉडरेट तो पेपर का लेवल फ्रेंड कैसा है ईजी टू मॉडरेट रहा है ना कि मॉडरेट टू हाई रहा है तो पेपर का लेवल बहुत ही सिंपल है ईजी टू मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल की बात करें द जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज सेक्शन वर इजी टू मॉडरेट यानी जो आप लोग का जनरल जनरल अवेयरनेस है और जनरल स्टडीज है इसका भी कैसा है इजी टू मॉडरेट है ये वाइल्ड क्वांटिटी एप्टीट्यूड लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन वाज इजी एंड अटेम्प्ट सेवेंटी वन टू सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन इन कंसिडर्ड एज गुड यानी जितने भी लोग इकहत्तर से लेकर छिहत्तर क्वेश्चन उन्होंने जो है इसमें अटैम्प्ट किया है वो गुड अटैम्प्ट हो सकता है आई बी ए सी आई ओ टीयर फर्स्ट एग्जाम एनालिसिस ट्वेंटी ट्वेंटी वन हेल्प कैंडिडेट टू नो द सेक्शन वाइज डिफिकल्टी ओवरऑल डिफिकल्टी नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आपको सब कुछ इसके नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ आई बी ए सी आई ओ एग्जाम पैटर्न यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न फॉर टीयर फर्स्ट इज डिवाइडेड इंटू फाइव पार्ट्स जनरल अवेयरनेस क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज द टेस्ट पेपर विल हैव टोटल हंड्रेड क्वेश्चन द ड्यूरेशन ऑफ आई बी एग्जाम इज वन आवर यानी एक घंटे का पेपर था जिसमें हंड्रेड क्वेश्चन है टीयर सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा द टेस्ट कंप्राइज एन एस से एन वन ऑफ द गिवेन टॉपिक इंग्लिश कॉम्प्रेंसन एंड प्रेसी राइटिंग द टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट आर फिफ्टी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज वन आवर यानी आप लोग का एक घंटे का ये भी एग्जाम होने वाला है अभी यहाँ एनालिसिस की बात कर लेते हैं फ्रेंड किस सेक्शन से जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कितना गुड अटेम्प्ट था तो कैंडिडेट कैन चेक बिलो द ओवरऑल सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल यहाँ से हम बात आपको बताने वाले हैं सब्जेक्ट और गुड अटैम्प्ट डिफिकल्टी लेवल तो गाइज यहाँ से देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस से जितने भी 12 और 13 लोगों ने ये गुड अटेम्प्ट था जनरल अवेयरनेस से जितने भी लोगों ने 12 13 क्वेश्चन किया है और इसका जो लेवल रहा है कैसा है ईजी टू मॉडरेट रहा है तो बारह तेरह जो है इसका गुड अटेम्प्ट रहा है जनरल अवेयरनेस की वहीं क्वान्टिटी एप्टीट्यूड्स की बात करें तो पंद्रह सोलह क्वेश्चन जितने लोगों ने अटैम्प्ट किया है वो डिफ़िकल्टी लेवल इसका कैसा है इजी है वो बहुत ही अच्छा रहा है अगर क्वांट से आप लोगों ने पंद्रह सोलह क्वेश्चन किए हैं वहीं लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी से बात करें तो सोलह सत्रह जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और इसका डिफिकल्टी लेवल इजी था सोलह सत्रह अच्छा है इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें भी आप लोगों ने पंद्रह सोलह क्वेश्चन अगर किया है तो गुड अटैम्प्ट है और इसका लेवल भी कैसा था ईजी था बात करते हैं जनरल स्टडीज की इसमें आपने तेरह से चौदह क्वेश्चन किया है तो ये भी गुड अटेम्प्ट में श्रेणी में आएगा इजी टू मॉडरेट रहा है इसका डिफिकल्टी लेवल टोटल गुड अटेम्प्ट जो है आपके पचहत्तर प्लस है फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं पचहत्तर प्लस जो है आपका गुड अटेम्प्ट है और पेपर ओवरऑल कैसा है इजी टू मॉडरेट है सेक्शन वाइज एग्जाम एनालिसिस भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन वॉज ईजी द सेक्शन कैरीड टोटल ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन फ्रॉम एंटोनियम्स एनोनियम्स फिल इन द ब्लैंक्स ई द टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन इज गिवन विल यहाँ से देख सकते हैं एक्टिव एश्यू से दो या तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बिल्कुल इजी थे स्पेलिंग चेक से बात करते हैं तो दो तीन इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे तो लेवल कैसा रहा इजी टू मॉडरेट रहा है वहीं पैरा जंबल्स की बात करते हैं एरर डिटेक्शन की बात करते तो इससे भी दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका लेवल ईजी टू मॉडरेट रहा है सिंगल फिलर की बात करें फोर क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा और ईजी रहा है ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो दो क्वेश्चन पूछा गया इजी रहा है और सोनानियम्स एंटोनियम्स की बात करें तो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इजी रहे हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें तो दो क्वेश्चन इजी पूछा गया टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन और पेपर का ओवरऑल जो रहा है वो कैसा लेवल रहा है ईजी रहा है अब लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी की बात करते हैं गाइज तो इसमें आपसे पूछा है दिस सेक्शन वॉज ऑल्सो इजी टू टर्म ऑफ डिफिकल्टी इसमें डिफिकल्टी की बात करें तो कैसा है ईजी रहा है ईजी लेवल लाए क्वेश्चन वर आस्क फ्रॉम वर्ड एनोलॉजी मिरर इमेज सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन और मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज बता देता हूँ तो सीटिंग अरेंजमेंट से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो लेवल इसका इजी था ब्लर रिलेशन की बात करें इससे दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी थे वर्ड एनोलॉजी से भी दो तीन क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट मिरर इमेज से एक क्वेश्चन पूछा गया ये भी कैसा था इजी टू मॉडरेट रहा है मिसिंग नंबर की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन आया जो कि बिल्कुल ईजी था कोडिंग डिकोडिंग से बात करें तो चार क्वेश्चन इससे पूछा गया तो इस पर आपको फोकस करना होगा ईजी रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो इससे भी एक क्वेश्चन जो कि ईजी है स्लॉक्स so, की बात करें तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि इजी रहा है मिस

द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटेलाइट लॉन्च बाई विच कंपनी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर वाज रिटेन बाई कौन है सदगुरु पाटिल ये जो जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे फिर आपसे पूछा गया है ट्वेंटी पैरियर पैरलर लाइन इन बिट्वीन विच कंट्री तो लीबिया और सूडान के बीच में है बारदोली सत्याग्रह इज रिलेटेड टू तो सरदार पटेल से था बंदीपुर नेशनल पार्क विच स्टेट तो आप लोग अंशी बंदीपुर बनरघटा कुद्रेमुख नागर व सबका है कर्नाटक का है लास्ट रूलर ऑफ नंद डेनेस्टी का कौन था तो घनानंद था धनानंद था ठीक है अब हम बात करते हैं वेयर इज बर्बाती फोर्ट कहाँ पे कटक उड़ीसा में सेरी कल्चर इज रिलेटेड टू किससे कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म से साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन इन हाउ मेनी लैंग्वेज तो ट्वेंटी फोर लैंग्वेज में दी जाती है हु गॉट पेट्टा अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी तो जॉन अब्राहम को दिया गया था हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि रविन्द्र टैगोर फर्स्ट गवर्नर ऑफ मेघालय ब्रज ब्रज कुमार नेहरू जी थे एसिड रेन हैपन ड्यू टू अब क्वांट से बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन से बार ग्राफ जो था उससे दो क्वेश्चन जो कि इजी रहा है मैंसूरेशन से भी दो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहा है और परसेंटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट से पूछे तो एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि इजी अल्जेब्रा से एक क्वेश्चन मात्र पूछा गया है स्पीड एंड टाइम से एक क्वेश्चन ईजी रहा है ट्रेन से एक क्वेश्चन ईजी रहा है बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन और ईजी रहा है तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं टाइम एंड वर्क सिंपल इंटरेस्ट से प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से सिंपल इंटरेस्ट एस आई से एक क्वेश्चन पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन पूछा गया मिसिंग नंबर इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन से भी एक क्वेश्चन पूछे गए यानी हर टॉपिक को उसने टच किया है एल सी एम एस सी एफ से दो क्वेश्चन जो कि ईजी रहा है नंबर सिस्टम से दो से तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि ईजी रहा है टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन ईजी रहा है मैथ का भी जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल रहा है तो कैसा रहा है ईजी रहा है फ्रेंड तो टोटल मैंने आपको सारे सेक्शन वाइज बता दिया कितने गुड अटेम्प्ट है कितना सब कुछ अगर इस वीडियो में आपको कोई भी जानकारी अधूरी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारी टीम द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए। के लिए गुड बाय टेक केयर जय हिंद दोस्तों लव यू ऑल